एक पैन में बेसन को 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेते हैं। उसके बाद इसमें पिसा हुआ बादाम और पिसा हुआ नारियल दोनों को भी डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। इसके बाद इसमें 1 कप दूध, 1 कप घी, 2 कप चीनी को बेसन के मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। इसको 10-15 मिनट तक अच्छी तरह भून लेते हैं। जब घी इसमें से बाहर निकलेगा तब इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। गैस को धीमी आंच पर रखकर पकाएंगे। एक प्लेट में घी डालकर इसको ग्रीस कर देते हैं ताकि ये बर्फी का मिक्सचर इसमें चिपके ना। काजू, बादाम, पिस्ता छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ये बर्फी के मिश्रण के ऊपर डालें। और थोड़ा प्रेस करें ताकि वो बाहर निकले ना। अभी इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाद में इसे टुकड़ों में काटकर सर्व करें। इस दिवाली पर आप जरूर ये सिंपल और टेस्टी रेसिपी को ट्राई करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खिलाएं। धन्यवाद।